आज हम आपको बताने वाले हैं ये वाला ड्रेस, देख लीजिए आप पहले से ही आपको ये ऐसा लग रहा है। ये हम आपको ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं प्रीति की ड्रेस, जो हमने कटिंग की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज स्टिचिंग होगी। और अगर आपको कटिंग का वीडियो अभी तक नहीं मिला है या आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। कटिंग की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या आपके पास चैनल सब्सक्राइब है तो चैनल पे अंदर जाइए, विजिट करिए, वीडियो आपको मिल जाएगा कटिंग का। आज हम स्टिचिंग करने वाले हैं और स्टिचिंग में आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग आसानी से सीख जाएं और एकदम नया डिजाइनर टाइप का बना रहे हैं। चलिए अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं कौन सी चीज क्या है। ये जो है ना, ये हमारी स्लीव्स हैं, जो रेडी टू वेयर स्लीव्स रहती है ना वो वाली। तो ये हमारा उसमें नेक का पट्टा है और ये जो है स्लीव्स का कफ है हमारा, और ये स्लीव्स है हमारी। तो ये हो गया। इसके बाद ये हमारी चोली है और ये हमारी नेक की पट्टियां हैं, और ये वाली जो ओरे पट्टी है ये हमारी शोल्डर की पट्टी है। इसके बाद ये वाला जो है ना, ये हमारा अस्तर है नीचे का, और चोली का अस्तर तो इसके साथ ही रखा हुआ है। और ये जो है ना, ये हमारी यहाँ की नीचे की फ्रिल है फर्स्ट वाली, और बाकी की फ्रिल ये यहाँ पर रखी हुई है। तो हम फोर फ्रिल की इसको बना रहे हैं। ये वाली जो हमने लेस ली थी, ये हमने 2 मीटर लेस ली थी, और मेरे हिसाब से सभी के साइज में 2 मीटर लेस हो जाएगी आसानी से। और अगर आपका बहुत ही ज्यादा साइज हो तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं। ये हो गई हमारी ये वाली लेस, चौड़ी वाली जो ली हमने, और ये वाली जो पतली वाली लेस ली हमने, ये वाली लेस हमने 20 मीटर का पूरा बंडल लिया है। तो चलिए स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी चोली। जॉर्जेट को खोलकर सिंगल करके रख लेना है। इसके ऊपर हमको अस्तर रखना है और सभी जगह से सिलाई लगाकर दोनों चोली को हम अटैच कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। इसके बाद हमें ये पट्टियों को ले लेना है दोनों को, और इनको बाहर साइड से इतना पतला पतला सिलाई लगाकर फोल्ड कर देंगे। पट्टियों को फोल्ड करके यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दबाकर सिलाई लगाकर इस पट्टी को इसमें अटैच कर देंगे, और कट्स लगाकर इसको अंदर पलट देंगे। और इस वाली पट्टी को हमें क्या करेंगे, इस वाली पट्टी को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे, कट्स लगाकर इसको मार्जिन को इस साइड कर देंगे, इसको हम अंदर नहीं पलटेंगे। आगे की पट्टी को हमने पूरे अंदर पलट दिया है, और पीछे वाली पट्टी को अभी अंदर नहीं पलटा है, इस टाइप से रख लिया है, और इसको सीधा करके रख लिया है, फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रख लिया है। यहाँ से मिलाएंगे इन दोनों को तरह से मिलाकर, यहाँ पे पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको मिलाएंगे, पलटेंगे, पक्की सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ से खोलना है हमें, और यहाँ से इस पट्टी को पलट देना है, और इसको पूरा पीछे साइड करेंगे, कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। सिलाई लगाकर इसको पलट के कर लिया सीधा। अब हम लगाएंगे शोल्डर पे पट्टी। तो ये जो हमने ओरे पट्टी कट की थी, इसको हम लेंगे और यहाँ से डबल कर लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच करेंगे। इसके बाद ये गोलाई जो है यहाँ पर हम कट्स लगा देंगे, इसको पीछे साइड पलट देंगे, और यहाँ से इसको पूरा करेंगे अंदर साइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स की हमने पट्टी लगा दी है। चोली हो गई हमारी पूरी रेडी। अब हमने ले लिया अपना अस्तर, और सबसे पहले अस्तर में ये कलियां ज्वाइन कर लेंगे। इस वाली कली को उठा के ऊपर वाले में लगा देना है, उस वाले को या नीचे वाले में लगा देना है। दोनों में सिलाई लगाने के बाद इसको हमें खोल के कर लेना है सिंगल, और इसको एक और ये दो पलटी में पूरे घेर को फोल्ड कर देना है। दोनों घेर को पूरा घेर हमने फोल्ड कर दिया है। अस्तर को अभी हम साइड में कर देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ की फ्रिल्स, जो हम 4 फ्रिल्स बनाने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट फ्रिल तो हमारी ये वाली है, तो इसमें से हम एक पार्ट ले लेंगे, और इसमें जो हम गैदर्स बनाएंगे ना फ्रेंड्स, ये वाली जो गैदर्स रहेंगी ऐसी पास पास वाली, इसको बनाना है हमें इसके नाम से। ये हमारी जो चोली है इसके नाम से बनाना है। ये हमने अपनी फर्स्ट वाली फ्रिल ले ली है, बड़ी वाली सुई ले ली है, 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन का छोड़ देना है, और 2 इंच बाद से हमें इसमें गैदर्स बनाना स्टार्ट करना है।
अब हम इसको मेजर करके देख लेंगे। तो ये एकदम हमारी बराबर आ रही है यहाँ से, ये देखिए चुन यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे कट के अंदर और ये यहाँ पे मार्जिन में चली आएगी। तो इसी की वजह से हम एक फ्रिल और बना लेंगे बैक साइड के लिए। ये वाली फ्रिल भी हमने बना ली है और अब हम इसके नीचे जो फ्रिल्स लगाएंगे ना उसमें हम इस टाइप की जो नहीं देंगे, उसमें देंगे हम जो सुई फंसा के जो गैदर्स बनाते हैं ना छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक वाली बो वाली बनाएंगे। ये देखिए ये रख दिया हमने और यहाँ से मशीन के अंदर कर लिया। अब इसके बाद गूट को कर लिया हमने ऊपर और इसमें ऐसे टेढ़ा किया इसको, मतलब थोड़ा सा नीचे साइड झुकाया हमने, इसमें फंसा दी इस तरह से। फंसाने के बाद यहीं से बूट को रख दिया और अब तेज तेज मशीन चलाएंगे जल्दी जल्दी। सभी पट्टियों की हमने पूरी लंबी गैदर्स बनाकर फ्रिल बना ली है। अब हम अपना जो फर्स्ट वाली फ्रिल थी उसको ले लेंगे, इसको सीधा करके रख लिया हमने और इसके ऊपर ये वाली फ्रिल रख लेंगे। रखने के बाद इसको हम यहाँ से आधा ज्वाइंट करेंगे, ऊपर साइड से नहीं करना है, नीचे वाली साइड से आधे में ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें हमने इतनी सिलाई लगा दी है, इसके बाद इसको हमें सीधा करके रख लेना है और ये वाली जो हमने फ्रिल तैयार की है इसको हम यहाँ से लेंगे कॉर्नर से और यहाँ से एक किनारे से लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से ऐसे अटैच करते जाएंगे और पूरे यहाँ तक, पूरे लास्ट तक हम इस फ्रिल को अटैच कर देंगे तो ये हमारी लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद इस फ्रिल को लेना है दोबारा से नीचे साइड अटैच कर देना, फिर ये वाली जो फ्रिल है उसके नीचे उस वाली को अटैच कर देंगे तो हमारी पूरी फोर फ्रिल इसमें अटैच हो जाएंगी। चारों ही घेर को हमने इसमें ज्वाइंट कर दिया है और ये पूरा हमारा लंबा घेर बन गया है, ऐसा वाला ऐसा लग जाएगा ये हमारा। अब हमको इसमें लास्ट वाले घेर को ये एक और ये दो, दो पलटी में पतला पतला पूरे घेर को फोल्ड कर देना है। पूरा घेर हमने फोल्ड कर दिया है पतला पतला, अब हम इसको कर लेंगे सीधा और इसमें हमें लगानी है ये वाली लेस जो हमारी 20 मीटर वाली लेस है। ये हमने अपनी लेस ले ली और इसको हमें यहाँ पर लगाना है किनारी पर, पूरे घेर में नीचे साइड लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ तीनों जगह हम ये लेस लगा लेंगे। चारों ही लेयर में हमने लेस लगा दी है। इसके बाद दोनों अस्तर को सीधा करके रख लेना है, अपना घेर लेना है, इसके ऊपर रख देना है, इस साइड का इस साइड रख देंगे। ये देखिए इनको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे, इस वाले को इसमें मिलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। दोनों घेर को अटैच करने के बाद अपनी चोली ले लेना है और इसको यहाँ पर रखना है, इसको हमें उल्टा करके रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक कमर अटैच कर देनी है। फिर इसके बाद यहीं से हम जाएंगे और इस साइड पहुंच जाएंगे यहाँ पर और इस वाली चोली को यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ से चोली अटैच कर दी और एक चोली हमने यहाँ से अटैच कर दी। अब इन दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस चोली को आपस में यहाँ पे मिलाएंगे, ये वाला जो कट लगा है इन दोनों कट को आपस में मिला देंगे और यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लगा देंगे और ऐसे ही हम इस साइड लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई लगा दी, इसके बाद अस्तर को हम पलट देंगे और इस साइड तो हमें थोड़ी सी ही फिटिंग करनी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा और इस साइड हम इसको पकड़ेंगे और इस वाले को पकड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे नीचे तक इन दोनों की फिटिंग कर देंगे। यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगा दी, इतनी सिलाई यहाँ पर लगाना था ये भी लगा दी है। इसको अस्तर को पलट देंगे। अब कैसी फिटिंग करनी है, यहाँ से लेना है जॉर्जेट को, हमें ऐसे ही रखना है जैसी ये तिरछी है ना इसी टाइप से, और यहाँ से इन दोनों अस्तर को आपस में मिला देना है और यहाँ से फिटिंग लगाएंगे, यहाँ से फिटिंग लगाएंगे इस टाइप से और यहाँ से मिलाते हुए पूरे नीचे तक लगा देंगे। यहाँ से ये जॉर्जेट छूट जाएगी, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ऐसी फिटिंग आएगी तो छूट जाएगी, तो ऐसे ही हमें इस साइड भी करनी है। दोनों साइड की फिटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसको कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद ये अब ऐसी लग रही है। अभी हम इसमें यहाँ पर बेल्ट भी बनाएंगे और अभी पहले स्लीव्स भी बनाना है
तो हम पहले स्लीव्स बना लेते हैं फिर बेल्ट बनाएंगे। ये हमने अपनी स्लीव्स ले ली हैं और ये हमारी नेक का मतलब जो स्ट्रैंड कॉलर है वो रहेगा और ये हमारी जो स्लीव्स की बॉर्डर है ये रहेगी और इसी के नाप से हमने ये देखिए ये एक अस्तर भी कट कर लिया है ताकि ये अंदर से चुभे नहीं हमको यहाँ पर, इसलिए अस्तर लगाएंगे दोनों साइड से ही हमने थोड़ा थोड़ा सा बड़ा रख लिया है और ये नेक के नाप से भी हमने अस्तर ले लिया है। अब हमको बनाना कैसे है, अब हम इसमें से पहले एक स्लीव निकाल लेते हैं। ये हमने अपनी स्लीव्स ले ली है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है, तो आप भी अपनी लंबाई के हिसाब से देख लीजिएगा जो हमारी लंबाई है उसको लंबाई में से हमें इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है। ये एक और ये दो, दो पलटी में पतला पतला हम इसको फोल्ड करेंगे। जैसे हमने इसको किया है ऐसे ही हम इस वाली साइड भी कर लेंगे इसको फोल्ड, इस साइड से भी फोल्ड कर दिया। जैसे हमने इसको फोल्ड किया है ऐसे ही हम इस वाली स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। इसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम बनाएंगे स्लीव्स, कैसे बनाएंगे, पहले तो हम अपनी कप वाली लेस ले लेंगे। तो ये हमारी लेस हो गई और इसमें से हमें अपना अस्तर लेना है और इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर ये हमने रख दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको पलट देंगे और इसको बराबरी से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से जितनी भी आपकी स्लीव्स की फिटिंग हो, ऐसे मान लीजिए मेरी 7 इंच फिटिंग आ रही है इसमें, तो यहाँ तक ये हमने 7 इंच, 7 का आधा 3.5 इंच पे निशान लगा दिया और यहीं पे हम एक कट लगाएंगे। ये कट लगा दिया, इसके बाद हमें इसको रखना है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे अपनी स्लीव्स, स्लीव्स का हमें सीधा वाला हिस्सा लेना है जिस साइड से हमारी सीधी हो और ये जो हमने कट लगाया है यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद का हमें छोड़ देना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और इसमें हम छोटी छोटी चुन बनाएंगे। ये कट तक हमने इसको एंड कर दिया है, इस लेस को पलट के लाएंगे और यहाँ ऊपर साइड कर देंगे। करने के बाद यहाँ से इसमें फिटिंग करेंगे, मतलब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की स्लीव्स बन चुकी है, इसके जैसे हम इस वाली स्लीव्स को भी बनाएंगे, इसी के जैसे हमने ये वाली स्लीव्स भी बना ली है। और अब हमने ले लिया है हमारी गले की स्टैंड की पट्टी और हमने इसी के नाप से लिया है ये अस्तर जैसे स्लीव्स का लिया था। इसको यहाँ पर रखना है और सेम ट्रिक से सिलाई लगा देना है स्लीव्स के जैसी, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दी हमने सिलाई, इसको यहाँ से पलट दिया और पलटने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पर सिलाई, ऐसे ही लगाएंगे हम इस साइड, दोनों साइड लगा दी हमने सिलाई, पलट के कर दिया हमने सीधा। यहाँ से लगाएंगे हम सेंटर का निशान, ये हमने 20 सेंटर का निशान लगाया, यहाँ से इंची टेप को रखा, 1 इंच लगा दिया इस साइड और 1 इंच होगा इस साइड, तो ये दोनों हो गए हमारे 2 इंच का गैप। इस साइड लेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पर रख लेंगे हम 1.5 इंच का गैप और इस साइड के कॉर्नर पे जाएंगे और इस साइड रख लेंगे हम 1.5 इंच का गैप। यहाँ पर 1.5 इंच क्यों रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, हुकाई करेंगे ना जब, इसलिए। तो बताएं 1-1 इंच का गैप रहेगा यहाँ पर और 1-1 इंच का यहाँ पर रहेगा, मतलब यहाँ पर 2 इंच का और बैक साइड भी 2 इंच का। इसमें मैंने ना ब्लू कलर की चौक से लगा दिया है ताकि अच्छे से समझ में आए कि इसके बीच में हमें गैदर्स बनानी है। तो इसको रखेंगे कैसे, इसको हमने सीधा तो कर ही लिया, इस टाइप से रख लेंगे इसको, इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं से हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे, एक स्लीव्स को लेंगे, स्लीव्स को भी सीधा करके लेंगे जैसे हमने पहले सीधा करके रखा था ना, यहाँ से भी इसको हम सीधा करके ही लेने वाले हैं और चुन बनाएंगे हम अंदर साइड के डायरेक्शन में।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो निशान है यहीं पर हम इनको एंड कर देंगे। ये देखिए ये गया निशान, ये होगा हमारी एंड। अब इसके बाद ये सेंटर का निशान है और ये दूसरे साइड का निशान है, तो हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स लेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से लेके चुन बनाते जाएंगे और इस वाले निशान पर एंड करेंगे। ये हमने दोनों साइड की स्लीव्स इसमें लगा दी है और मतलब दोनों का अंदर साइड हमने डायरेक्शन कर लिया है। अब इसको पलट के कर लेंगे सीधा और लेस को इस साइड लाएंगे इसके ऊपर, यहाँ से करेंगे इसको अंदर और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे ऐसे पूरा अंदर करके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमने गले की पट्टी तो बना दी है, अब बस हमको एक ही काम करना है, वो है इन दोनों की फिटिंग। यहाँ से इसको पलट देंगे एक दूसरे के ऊपर और यहीं से लगाएंगे फिटिंग। इसको यहाँ से कर देंगे सीधा, थोड़ा सा मार्जिन भी रखा है ताकि इन फ्यूचर थोड़ा हाथ हमारा मोटा हो जाए तो हम इसको लूज कर सकें। ये देखिए ऐसे हम इसकी फिटिंग कर देंगे। इसकी भी हमने फिटिंग कर दी है, बस हमने इसमें एक ही काम बचा है कि यहाँ पर हाई बना लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे हुक, तो इस टाइप से ये लग जाएंगे हमारे। ये काम करेगी हमारी डैनी कलाकर और ये हमारी स्लीव्स तो हो चुकी है रेडी टू वियर। जो स्लीव्स होती है ना, ये रही हमारी रेडी टू वियर स्लीव्स। ऐसी स्लीव्स आप बनाकर रख सकते हैं और अगर आपके किसी भी मतलब जो भी कोई सी ड्रेस हो जिसमें स्लीव्स नहीं हो तो उनके साथ ही आप आसानी से पहन सकते हैं। जिसके साथ दुपट्टा नहीं आया उसके साथ ही पहन सकते हैं। बहुत सही दीदी, बहुत सही, एकदम सही। तो ये रेडी टू वेयर स्लीव्स दुपट्टे का भी काम करेंगी, रेडी टू वेयर दुपट्टा। इसको रेडी टू वेयर दुपट्टा भी बोल सकते हैं, स्लीव्स दुपट्टा भी बोल सकते हैं। अब बनाएंगे हम अपना बेल्ट। ये है हमारी लेस। बेल्ट हमें बनाना कैसे है मैं आपको बता रही हूँ आसान तरीका। ये हमने लिया और इसको यहाँ से कमर के नाप से, यहीं पहनना है हमको तो कमर के नाप से हमने ये ले लिया, फिक्स हमारा इतना आ रहा है इसको। लेकिन हम इतना बड़ा रखेंगे कम से कम, ताकि इन फ्यूचर हम थोड़े से हेल्थी हो जाते हैं तो इसको हम थोड़ा सा बाद में भी पहन सक रहे हैं, तो बाद में ये बनेगा ही नहीं। इसको हम यहीं से कटिंग कर लेंगे। इसको हमने कट कर दिया और इसी के नाप से हमने अपने अस्तर को भी ले लिया है और जैसे हमने नेक का पट्टा बनाया था ना, सेम ऐसे ही बनाना है इसको। यहाँ से हमें इसको लेना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है, इसको पलटना है, यहाँ से सिलाई लगा देनी है, इसके बाद या ऊपर साइड की सिलाई इसको पैक कर देना है। तो बस ऐसे ही बनाना है जैसे नेक की कॉलर बनाई है, सेम वैसे ही। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने बेल्ट कट किया था इसमें सभी साइड से एक अस्तर अंदर लगा दिया है और इसकी लगाने की ट्रिक सेम है जैसे हमने नेक में लगाया ना, सेम ट्रिक से लगाया है। और आपको जैसे ठीक लगे आप उस टाइप से लगा सकते हैं इसमें। और आपको अगर अस्तर नहीं लगाना है तो आप इसको साइड से फोल्ड करके डायरेक्टली भी ऐसे पहन सकते हैं। इसको हमें लेना है यहाँ से एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर रखना है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर हाई बना लेना है और यहाँ पर हुक लगा लेना है। तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर तीन चार जगह बना सकते हैं, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेल्ट बन के भी हो गया हमारा रेडी। ये रही हमारी फ्रॉक, ये रही हमारी रेडीमेड स्टाइल स्लीव्स और ये रहा हमारा बेल्ट और ये पूरी फ्रॉक हमारी बन चुकी है। और इसको मैं वेयर करके दिखाती हूँ। ये मैंने वेयर कर ली है और अब ये कुछ ऐसी लग रही है और घेर कुछ इसका ऐसा है और बेल्ट कुछ इसका ऐसा है, स्लीव्स इसकी कुछ ऐसी है और पूरी ड्रेस कुछ ऐसी है और ये घेर भी इसमें बहुत सारा है जो मुझको बहुत पसंद आ गई है, जो की पसंद की थी क्योंकि प्रीत तुम्हें सिंपल टाइप की अच्छी लगती है ना, इसलिए हमने ऐसा बोला था। और मुझे दुपट्टा वेयर करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दीदी ने रेडीमेड दुपट्टा बनवा दिया मेरे लिए। आप लोग बताइए कैसी लग रही है पूरी ड्रेस, कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दीजिए। और आपको ये पूरी ड्रेस पसंद आई है, इसकी कटिंग स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रेसेस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।